गाइस कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर जापान में व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आज, बिकॉज आज थोड़ा यार काम इतना ज़्यादा बिजी नहीं था, सो आई थॉट कि आप सब से इंटरेक्ट करूँ एंड आपको बताऊँ कि लाइफ में क्या चल रहा है। अभी फ़िलहाल रियान को बाहर वॉक पे लेके आया हूँ। रियान, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग? डू यू वॉन्ट टू से समथिंग टू एवरीवन? तो यार अभी रियान को बाहर शहर पे लेके आया था एंड काफ़ी टाइम से वीडियो इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा बिकॉज जो मेरा काम है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा है। बिकॉज ऑफ दैट मेरे को एडिटिंग या फिर रिकॉर्डिंग का ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा एंड अभी बेसिकली मेरे कैरियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है, तो आई वॉन्ट टू फोकस मोर ऑन माई कैरियर रादर देन यूट्यूब। बिकॉज ऑफ दैट मैं यूट्यूब पर ज़्यादा वीडियोज़ नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा। तो इसी के साथ मैं आ जाता हूँ अपनी इस वीडियो के कंटेंट के बारे में। इस वीडियो में यार बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मेरा एक ओवरसीज ट्रिप लगा था एक आउट ऑफ जापान एंड आई वेंट टू चाइना। अबाउट दैट आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिकॉज आई थिंक आप सब बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ। मैंने थोड़ी सी क्लिप्स ली थी एंड उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या चीज़ एक्सपीरियंस करी आफ्टर गोइंग टू चाइना। सो यार मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर आई विजिटेड चाइना। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आफ्टर रीचिंग चाइना। मैं सबसे पहले लैंड करा चाइना के एयरपोर्ट में। आई लैंडेड टू वन ऑफ द एयरपोर्ट इन शंघाई एंड वहां पर लैंड करने के बाद आफ्टर आई एंटर द एयरपोर्ट वहां पर काफी ज्यादा मेरे को अमेजिंग चीज एक ये लगी कि दे हैव इंस्टॉल्ड AI डिवाइस, बिकॉज उनको पता है दे आर गोइंग टू बी फॉरेन विजिटर्स। सो इन ऑर्डर टू इंटरैक्ट विद द फॉरेन विजिटर्स स्मूथली उन्होंने एक AI वॉइस का डिवाइस इंस्टॉल करा हुआ है, जिससे कि अगर आप अपनी कंट्री वहां पर एंटर करते हैं, अगर आप अपनी कंट्री बताते हैं, सो जो आपको आगे से जो इंफॉर्मेशन वो शेयर करेगा, जो आपकी कंट्री की लैंग्वेज है वो उसमें शेयर करेगा। सो एज अ इंडियन मैंने वहां पर टाइप करा कि आई एम फ्रॉम इंडिया एंड वहां से मेरे को जो उस डिवाइस ने जो मेरे को इंफॉर्मेशन शेयर करी वो सारी हिंदी में थी, विच आई थॉट वॉज वेरी अमेजिंग। एंड इसके अलावा बाकी भी ऐसे ही AI डिवाइस इंस्टॉल थे एट मैनी प्लेसेस जहां पर मैंने विजिट करा, तो मेरे को काफी लगा कि टेक्नोलॉजी वाइज चाइना इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो यार आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ द एयरपोर्ट मैं अपने होटल गया एंड आफ्टर स्पेंडिंग 2-3 days इन चाइना मैं वापस जापान आ गया। वहां पर रह के मेरे को काफी अच्छी चीजें एक्सपीरियंस हुई। आई गॉट टू सी डिफरेंट साइड ऑफ चाइना, चाइना के कल्चर के बारे में पता लगा काफी, मतलब कि इंडिया जैसा है, बिकॉज इंडिया में भी काफी वास्ट कल्चर है, काफी बड़ा कल्चर है, डिफरेंट कल्चर के लोग इंडिया में रहते हैं, वैसे ही चाइना में भी डिफरेंट ट्रेडिशंस वाले लोग रहते हैं चाइना में। बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज एबल टू यू नो एस्टेब्लिश अ डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड ऑन द सेम साइड मैं रिलेट भी कर पा रहा था, बिकॉज हमारे इंडिया में भी ऐसी चीजें होती हैं। एंड लुकिंग एट द डिफरेंट साइड द डेवलपमेंट साइड मेरे को काफी अच्छा लगा चाइना, बिकॉज वहां पर डेवलपमेंट काफी अच्छी हो चुकी है। दे आर यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि मैंने आपको बताया जो मेरे को एयरपोर्ट पे देखने को मिली एंड इवन द होटल वेयर आई लिव्ड वहां पर भी काफी मतलब कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें थी। आई हैव नॉट बीन एबल टू कवर एवरीथिंग इन द क्लिप्स दैट यू विल सी इन द फ्यू कमिंग सेकेंड्स, बट मेरे को ओवरऑल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया एंड बाकी I was really impressed how people of China they are working and how they are living. So यार इसी के साथ मैं आपको क्लिप शेयर करता हूँ जो कि मैंने रिकॉर्ड करी थी ड्यूरिंग माई स्टे इन चाइना। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी द क्लिप्स टूगेदर।
understand. I love the air you bring. टुडेज वीडियो आई होप कि आपको पसंद आई होगी. वी विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियोस. जब मेरे को टाइम मिलेगा आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे.